हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो रीजनिंग का एक चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है ओड मैन ऑड, या बात कर लें इसे दूसरे शब्दों में क्लासिफिकेशन का नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे हम हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में इस चैप्टर का नाम होता है वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर का, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहली वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद आप इस सेकंड पार्ट वाली जो वीडियो है इसे देखें, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ से जो 43 नंबर सवाल है उसे। आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि ये जितने वर्ड दिए गए हैं, जितने ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे चार ऑप्शन हो या पाँच ऑप्शन हो, आपके जो भी बेसिकली बैंक को छोड़ करके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको चार ऑप्शन दिखने को मिलेगा। लेकिन जब आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देंगे तो वहाँ पे आपको पांच ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो जब भी आपको चार ऑप्शन दिखे या पांच ऑप्शन दिखे, वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, तो आपको इसमें से चार क्वेश्चंस, चार ऑप्शंस या तीन ऑप्शंस एक जैसे होंगे, जबकि एक ऑप्शन जो होगा वो सबसे अलग तरीके का होगा। तो जो सबसे अलग होगा उसे हम छांट देंगे। तो चलेंगे दोस्तों, 43 नंबर जो सवाल है उससे हम देखते हैं। आपसे कह रहे हैं लोहार, सोनार, दर्जी, नाविक, बढ़ई। अब इसमें से जो सबसे अलग है आपको उसे छांटना है। अब यहाँ से देखेंगे, लोहार लोहे को एक नया रूप देता है, सोनार सोने को एक नया रूप देता है, दर्जी कपड़े को एक नया रूप देता है, नाविक नाविक जो है किसी चीज़ को एक नया रूप नहीं देता है, वो नाव को खेपता है या चलाता है। आगे बढ़ेंगे जो ऑप्शन नंबर 5 है, बढ़ई बढ़ई जो है वो लकड़ी को एक नया रूप देता है। तो नाभिक को छोड़ करके जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लोहार, सोनार, दर्जी या बड़ी, वो किसी न किसी चीज़ को एक नया रूप देता है, जबकि नाभिक जो है वो किसी चीज़ को नया रूप नहीं देता बल्कि नाभ को खेपता है। तो यहाँ से जो अलग वर्ड है, जो विषम वर्ड है, वो आपका कौन सा है? वो नाभिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल में कह रहा है, फेदर वेट, पेपर वेट, लाइट वेट, होवी वेट, बेंथम वेट। अब इसमें से जो सबसे अलग है उसे आपको छांटना है। अब यहाँ पे देखें, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता होता, जस्ट उसी टाइप का सवाल ये दिया गया। फेदर वेट का मतलब नहीं, लाइट वेट, होवी वेट, बेंथम वेट, ये सबका जो मतलब है कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको एक ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिसका मतलब आप बखूबी जानते हो। जैसे यहाँ पे पेपर वेट, पेपर वेट का मतलब क्या होता है कि पेपर जब उड़ता है, जब आप देखेंगे कई बार आप ऑफिस गए होंगे कहीं ना कहीं, तो पेपर को चाटने के लिए उस पर एक धातु या किसी भी मेटल का यूज़ किया जाता है, यानी पेपर को चाटने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो पेपर जिससे चाटा जाता है उसे आप क्या कहते हैं? पेपर वेट। तो यहाँ पे पेपर वेट जो है वो एक आपका धातु होता है या आपका कोई पदार्थ होता है, लेकिन फेदर वेट, लाइट वेट, हुवी वेट, बेंथम वेट इनमें से कोई नहीं है। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आपके पेपर वेट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे 45 में कह रहा है, हीरो, खलनायक, हीरोइन, कलाकार। अब दोस्तों, हीरो जो है वो भी एक कलाकार है, खलनायक जो है वो भी एक कलाकार है, हीरोइन भी कलाकार है और गायक भी कलाकार है। तो ये जो भी ऑप्शन चारों दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? कलाकार हैं। तो सब किस में आ जाएंगे? कलाकार वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कलाकार। अब यहाँ से 46 नंबर सवाल देखते हैं। बीज गणित, ज्यामिति, गणित, त्रिकोणमिति, अंक गणित। आप देखें, बीज गणित जो है अब वो गणित का पार्ट है या चैप्टर कह लें, ज्यामिति जो है वो गणित का एक चैप्टर है, त्रिकोणमिति जो है वो भी गणित का चैप्टर है, अंक गणित जो है वो भी गणित का एक चैप्टर है। यानी बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अंक गणित सब किसके एक पार्ट हैं? तो वो गणित के एक पार्ट है। तो यहाँ से आपके आंसर हो जाएंगे गणित। आप 47 नंबर सवाल पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपसे कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी, इंसाइक्लोपीडिया, रसायन, फ्रेंच और जर्मनी। आपके यहाँ पे चार जो ऑप्शन है वो आप बखूबी जान रहे हैं, जैसे अंग्रेज़ी जान रहे हैं आप, रसायन जान रहे हैं, फ्रेंच जानते हैं, जर्मनी जानते हैं, कौन सा वर्ड नहीं जानते आप? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो इंग्लिश वर्ड है, इसमें इसका जो हिंदी होता है वो विश्व शब्दकोश होता है, यानी विश्व का जितना भी वर्ड होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको किस में देखने को मिल जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया में। यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे, बात कर लें, अंग्रेज़ी जो है वो भी आपको इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ने को मिल जाएगा,
रसायन जो है उसके बारे में भी आपको इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा, फ्रेंच के बारे में भी इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा, जर्मनी के बारे में भी इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया जो है उसे कहते हैं विश्व शब्दकोश, मतलब विश्व के जितने भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा। तो जैसे अंग्रेज़ी हो, रसायन हो, फ्रेंच हो या जर्मनी हो, सबके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन जानना है तो हमको कहाँ पे ये सारा मिल जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे आप जो 48 नंबर सवाल है, कह रहा सूर्य, मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि। आप यहाँ पे जब जान रहे हैं, जब आप GKGS पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो सूर्य जो है वो क्या है, सूर्य हमारा एक तारा है, राइट। सूर्य जो होता है वो हमारा एक तारा होता है। मंगल क्या है, ग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। शनि क्या है, ग्रह है। यानी सूर्य को छोड़ करके जितने ऑप्शन दिख रहे, मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी और शनि, ये सब का सब क्या है, ग्रह या उपग्रह है, लेकिन सूर्य जो है वो एक तारा है। आपको कई बार GK में ये सवाल आए हैं एग्जाम्स में ही कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। चंद्रमा वाले सवाल भी बहुत आए हैं, चंद्रमा एक है, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, राइट। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ से जो सूर्य है वो एक तारा है, बाकी जो भी ऑप्शन दिख रहा है सूर्य को छोड़ करके वो सब क्या है, ग्रह या उपग्रह है। तो यहाँ से अलग जो हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, अजूबा, बेजोड़, सार्वजनिक स्थल, आदित्य, अनोखा। अजूबा, अजूबा मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। बेजोड़, बेजोड़ मतलब भी जिसके जैसा कोई ना हो, मतलब उसका जोड़ का कोई ना हो। आदित्य, आदित्य मतलब जिसके जैसा कोई ना हो। अनोखा, अनोखा ये वही है जिसके जैसा कोई ना, यानी अगर हम एक वर्ड में बात कर लें तो अजूबा, बेजोड़, आदित्य, अनोखा, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है, सब एक ही चीज़ को बताते हैं और सब आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थल जो है वो बिल्कुल सबसे क्या है, अलग है। अब यहाँ से दोस्तों 50 नंबर सवाल देखेंगे तो कह रहा भय, दुख, अभिमान, प्रेम और विचार। आप थोड़ा सा सोच के देखिए अपने अकॉर्डिंग। भय क्या है, आपके मन का एक विचार है, जैसे होता है मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ तो वो मुझे क्या लग रहा है, भय लग रहा है, यानी आपके मन में कैसा विचार आ, तो भय का विचार आ रहा है। दुख, आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं या गरीब को देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आपको कैसा विचार आ रहा है मन में, तो आप कहेंगे मुझे है ना इसे देख करके बहुत दुखी फील हो रहा है, बहुत दुखी महसूस हो रहा है। तो दुख जो है वो आपका क्या है, मन का एक विचार है। अभिमान, अभिमान मतलब प्राउड, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई भी चाहने वाला बहुत अच्छा तरक्की कर जाए या बहुत अच्छा चीज़ कर ले तो आपको क्या होगा, उस पर अभिमान होगा, यानी आपको उस पर प्राउड फील होगा। तो प्राउड भी क्या है, वो आपके मन का एक विचार है। प्रेम, प्रेम तो आप जान ही रहे, ये भी आपका एक फीलिंग है, आपका एक विचार है। तो भय, दुख, अभिमान और प्रेम, सब का सब क्या है दोस्तों, सब आपका एक तरह का विचार है, ठीक है, राइट। तो यहाँ से जो अलग है वो कौन सा हो जाएगा, विचार, चूँकि विचार का ही सब अलग अलग रूप है। भय बात कर लें, दुख, अभिमान, प्रेम, सब विचार का ही एक अलग अलग पार्ट है, रूप है। अब थोड़ा सा यहाँ से टाइप जो होगा दोस्तों वो चेंज करता है। अब टाइप जो होगा वो अब यहाँ पे डबल डबल वर्ड दिए जाएंगे और दोनों वर्ड में आपको कंपेरिजन करके चलना होगा। अभी तक आपने जो सिर्फ देखा वो सिंगल वर्ड ही देखा। अब 51 नंबर देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है अपराध और आरोप, दो वर्ड इसमें है। यहाँ पर देखेंगे नाटा और लंबा, दो वर्ड यहाँ भी हैं। गरीब अमीर, दो वर्ड। हल्का भारी, दो वर्ड। आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो अपराध और आरोप, अपराध और आरोप दोनों चीज़ पर आपको फोकस करना है। दोनों को देख करके आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे मैं बात कर लूँ, अगर आप किसी चीज़ के अगर आपने अपराध किया है तो आप पे क्या है, आरोप लगेगा ही लगेगा। अगर मैंने चोरी किया है तो चोरी क्या है, एक अपराध है, तो हम पे आरोप लगेगा कि मैंने चोरी किया है। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या किया, अपराध किया, तो आप पे क्या लग रहा है, आरोप लग रहा है। यानी यहाँ पर दो रिलेशन जो आ रहे हैं वो क्रिया और प्रतिक्रिया का रिलेशन आ रहा है। आपने क्या क्रिया किया, तो अपराध कर दिया, तो उसका प्रतिक्रिया क्या हुआ कि आप पे आरोप लगने शुरू हो गए। तो यहाँ पे जो दोनों रिलेशन निकल रहे हैं वो क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशन निकल रहा है, नाटा लंबा, जस्ट विपरीत, विपरीत यानी अपोजिट। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गरीब अमीर, यहाँ पे भी अपोजिट, यहाँ पे हल्का भारी, यहाँ पे भी अपोजिट। तो आप देख रहे हैं चाहे दूसरा ऑप्शन हो, तीसरा हो या चौथा हो, सब क्या है, दोनों में अपोजिट का रिलेशन है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया का ऑप्शन है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं मोटा मोटी शब्द में कि यहाँ पे अपोजिट नहीं है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन दिए गए सब में एक दूसरे के अपोजिट लिए गए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है माँ बेटी।
अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे माँ बेटी, माँ भी फीमेल है और बेटी भी फीमेल है। चाचा भतीजा, यहाँ पे चाचा भी मेल है और भतीजा भी मेल है। यहाँ पे पिता पुत्र, पिता भी मेल है पुत्र भी मेल है। अब यहाँ पे देखिए जो पेयर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये दोनों में क्या है फीमेल है, ये दोनों क्या है मेल है, ये भी दोनों क्या है मेल है। अब यहाँ पे क्या है भाई मेल है और बहन क्या है फीमेल है। तो ऑप्शन नंबर टू सॉरी 1, 2, 3 दोनों में है ना समान पेयर लिया जा रहा है, मतलब समान रिलेशन लिया जा रहा है। दोनों फीमेल का बात कर ले रहा है, दोनों मेल का बात कर रहा है, यहाँ भी फीमेल का बात कर रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें एक मेल है और दूसरा फीमेल है, यानी यहाँ पे दोनों मिले हुए हैं मेल और फीमेल दोनों, जबकि पहला दूसरा तीसरा जो है वो चाहे मेल का बात कर रहा है या फिर अलग अलग फीमेल का बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में मेल और फीमेल दोनों को मिला करके पेयर बनाया गया। तो आपके अलग कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। 53 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों चाचा भतीजी, चाचा मेल है भतीजी क्या है फीमेल है। पति पत्नी, पति क्या है मेल है, पत्नी क्या है फीमेल है। भाई बहन, भाई क्या है मेल है, बहन क्या फीमेल है। चाचा भतीजा, यहाँ पे दोनों क्या है मेल है, चाचा भी मेल है भतीजा भी मेल है। लेकिन आपको तीन जो ऑप्शंस है वो एक कैटेगरी के दिख रहे हैं, कौन सा देखिएगा, चाचा भतीजी मतलब मेल और फीमेल, यहाँ भी पति पत्नी मेल और फीमेल, भाई और बहन मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पे क्या है चाचा भतीजा दोनों मेल। तो अलग कौन सा हो गया, ये आपका चौथा जो ऑप्शन है वो आपका अलग हो गया, क्योंकि इसमें दोनों जो पेयर बन रहे हैं दोनों मेल को ही लिया जा रहा है, जबकि तीन जो ऑप्शन है एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, राइट। जबकि यहाँ पे दोनों का दोनों मेल था, तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया सबसे अलग यही है। 54 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ से कह रहा भाई बहन, अभी भाई बहन जो ऑप्शन है उसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं माता पिता। तो माता, अब देखिएगा जैसे हम बताए हैं उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं, भाई बहन तो भाई मेल है बहन फीमेल है, माता पिता माता क्या है फीमेल है, माता फीमेल है पिता मेल है, चाचा चाची एक मेल है दूसरा फीमेल है, पति पत्नी एक मेल है दूसरा फीमेल है। यानी आप मेल और फीमेल के हिसाब से छांटना चाहेंगे तो नहीं छटेगा, क्योंकि इसमें भी एक मेल है एक फीमेल है, इसमें भी मेल और फीमेल है, इसमें भी मेल और फीमेल है, इसमें भी मेल और फीमेल है। अब आप किसको अलग कीजिएगा, तो अपना जो थिंकिंग पावर है जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा डेवलप कीजिए, थोड़ा अलग तरीके से सोचिए। आप दोस्तों यहाँ से देखते हैं भाई बहन, इससे अभी छोड़ रहे हैं माता पिता, माता पिता क्या है कपल है, कपल मतलब पति पत्नी है जिसको शादीशुदा भी आप कह सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कपल। अब यहाँ से दोस्तों माता पिता क्या है आपस में कपल है यानी शादीशुदा है, चाचा चाची ये भी कपल है आपस में शादीशुदा है, पति पत्नी ये दोनों भी कपल हैं आपस में शादीशुदा है, लेकिन भाई बहन जो है दोस्तों वो कपल नहीं है, वो आपस में शादीशुदा नहीं होते। तो यहाँ से जो सबसे अलग वर्ड दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, भाई बहन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग है। बाकी जितने ऑप्शन दिख रहे हैं 2, 3, 4 सब आपस में क्या है कपल हैं शादीशुदा हैं। 55 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कागज़ सफ़ेद। अब जैसे ही पढ़ेंगे इसको आपको माइंड में कुछ ना कुछ आएगा, कागज़ कैसा होता है सफ़ेद होता है, आसमान कैसा होता है नीला होता है, कैसेट कैसा होता है गाना होता है। अटपटा सा लगा, अटपटा सा लगा मतलब वही आंसर है, जैसे कैसेट जो होता है ना गाना नहीं होता। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ेंगे तो पत्ती कैसा होता है हरा होता है, यानी सबको एक तरह का आंसर मिल रहा है लेकिन जो तीसरा है उसका आंसर नहीं मिल रहा। जैसे कागज़ सवाल कीजिए, कागज़ कैसा होता है सफ़ेद, आसमान कैसा होता है नीला, पत्ती कैसा होता है हरा, लेकिन कैसेट कैसा होता है कोई आंसर मिला नहीं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 56 में, 56 आपसे कह रहा है पक्षी पंख, यानी पक्षी अगर होगा तो उसके लिए जो मेन कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, पंख होना चाहिए, यानी पंख के बिना पक्षी नहीं, ईंट के बिना भवन नहीं, पंखुड़ी के बिना पुष्प नहीं, तब पेट्रोल के बिना कार नहीं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोल के बिना भी कार हो सकता है। पेट्रोल के जगह पे हम क्या कर लें, डीजल वाली कार आती है, और डीजल वाली नहीं आकर के अभी तो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, तो ये अलग है। क्योंकि आप क्या करें ना, आप देखिए पक्षी के लिए क्या होना ज़रूरी है, आप ऐसे सोच सकते हैं पक्षी के लिए क्या होना ज़रूरी है पंख, भवन के लिए क्या होना ज़रूरी है ईंट, तो कार के लिए क्या होना ज़रूरी है पेट्रोल। अब ज़रूरी नहीं है, कार के लिए आपको डीजल भी होना ज़रूरी हो सकता है, कार के लिए चक्का भी होना ज़रूरी हो सकता है, कार के लिए इलेक्ट्रिक भी होना ज़रूरी हो सकता है, पुष्प के लिए क्या होना ज़रूरी है पंखुड़ी। यानी तीन ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, जबकि तीसरा जो ऑप्शन है कार वो आपके अलग है। क्यों, कि कार सिर्फ जो है पेट्रोल से नहीं चलता, उसके लिए आप डीजल या इलेक्ट्रिक भी लगा सकते हैं,
और उसके बिना भी वो कार कहलाएगा, लेकिन पंख के बिना पक्षी नहीं कहलाएगा, ईंट के बिना भवन नहीं कहलाएगा, पंखुड़ी के बिना पुष्प नहीं कहलाएगा, लेकिन पेट्रोल के बिना कार कहला जाएगा। तो आंसर कौन सा अलग हो जाएगा? तीसरा। 57 जो सवाल है उसे देखेंगे। करा पैर हाथ, पैर और हाथ जब भी दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या है, एक बॉडी का हमारा दो भाग है, एक पैर है दूसरा हाथ है। अब यहाँ से आँख नाक ये भी हमारा बॉडी का दो भाग है। तीसरा यहाँ जो है शरीर और सिर, तो बॉडी का दो भाग नहीं है, एक भाग तो सिर है, लेकिन एक बार आपका क्या ले लिया गया, पूरा बॉडी ही ले लिया गया, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। अभी थोड़ा सा एक ऑप्शन आगे बाकी है, चौथा वो देखेंगे। कलाई और उंगली, कलाई और उंगली भी क्या है, बॉडी का दो भाग है। यानी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है वो एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शंस में जो है बॉडी के दो पार्ट अलग अलग लिए गए हैं, लेकिन तीसरा जो ऑप्शंस है इसमें एक पार्ट बॉडी के लिए गए हैं, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो पार्ट नहीं पूरा बॉडी ही ले लिया गया है। तो यहाँ पे सब जो है तीनों ऑप्शन जो है वो बॉडी का दो अलग अलग पार्ट को शो करते हैं, लेकिन तीसरा जो है बॉडी के दो अलग अलग पार्ट को शो नहीं करते। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये जो ओल्ड मैन आउट होता है वो बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, और इसमें स्कोर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटता है, अगर आप सही माने में अगर स्टडी किए हैं, रिवीजन किए हैं। तो अब बढ़ेंगे आगे, जो 58 नंबर सवाल है। कह रहा है जल और धारा, जल में क्या होता है, धारा होता है, जानते हैं। फिर है ऊर्जा भोजन। अब जैसे ऊर्जा भोजन देखेंगे ना आपको अटपटा सा लगेगा, ऊर्जा में भोजन होता है, नहीं, भोजन में ऊर्जा होता है। यानी पहले अगर भोजन लिख देता आपको ऐसा अगर देता तो ये सही हो जाता, भोजन और ऊर्जा, तो ये अगर देता दोस्तों तो ये आपका सही हो जाता। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जल में क्या होता है, धारा होता है, तो ऊर्जा में भोजन नहीं होता, भोजन में ऊर्जा होता, तो पहले भोजन लिखता फिर ऊर्जा लिखता तो ये सही हो जाता। फिर आगे बढ़ें, गरज रोशनी, सही है, गरज होगा तो रोशनी होगा, यानी गरज में क्या होता है, रोशनी होता है, सूर्य में क्या होता है, प्रकाश होता है, जल में क्या होता है, धारा होता है, लेकिन ऊर्जा में भोजन होता है, नहीं, भोजन में ऊर्जा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टू जो होगा वो आंसर हो जाएगा, सबसे अलग है। आगे पढ़ेंगे 59, कह रहा आपसे मनुष्य पृथ्वी। अब मनुष्य और पृथ्वी जब भी देखें आपको माइंड में एक चीज़ सोचने वाली बात आएगी कि मनुष्य जो होता है वो कहाँ रहता है, पृथ्वी पर रहता है, पक्षी आकाश में रहता है। बहुत सारे लोग कह देंगे हाँ, नहीं दोस्तों ये चीज़ गलत है, पक्षी आकाश में रहता नहीं है, पक्षी आकाश में उड़ता है। यही सोच तो आपको डेवलप करना है ना, और यही सोच जब आपका डेवलप हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पक्षी आकाश में रहता नहीं है, पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी रहता कहाँ है, तो पक्षी पेड़ पौधों पर रहता है या फिर पक्षी घोंसले में रहता है। तो यहाँ पर आकाश के यहाँ पर अगर पौधा पेड़ पौधा लिखता तो भी सही होता, या आकाश के यहाँ पर यहाँ पर घोंसला लिखता तो भी सही हो जाता, क्योंकि पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में या पेड़ पौधे पर। लेकिन यहाँ पे शो करा पक्षी कहाँ रहता है, आकाश में, ये गलत है, आकाश में रहता नहीं, आकाश में उड़ता है। मछली कहाँ रहती है, जल में। रेलगाड़ी कहाँ रहता है, स्टेशन पे। यानी तीन जो ऑप्शंस है उसमें आपको सेम रिलेशन दिख रहे हैं, जैसे पहला में मनुष्य कहाँ रहता है, पृथ्वी पे, मछली कहाँ रहता है, जल में, रेलगाड़ी कहाँ रहता है, स्टेशन में। लेकिन आप जब इस पर सवाल करेंगे कि पक्षी कहाँ रहता है, तो पेड़ पौधे पे, ना कि आकाश में, तो अलग जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर सवाल। 60 नंबर अब सवाल जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। अब यहाँ से भी टाइप आपका चेंज कर रहा है, अब इस टाइप से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे कहेगा कि फिर से कि चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो सबसे अलग है उससे छांटे। आप इंग्लिश में जानते हैं दोस्तों पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट जो होता है वोवेल का पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो कॉन्सोनेंट का पार्ट होता है। ये दो पार्ट में हम पूरे अल्फ़ाबेट को बांट देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। आप यहाँ से चारों ऑप्शंस में से सबसे जो अलग है उसको छांटना। एफ़ को देखेंगे तो माइंड में आपको क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन ए क्या है, वोवेल है। यानी आपके तीन जो ऑप्शंस है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एक चौथा ऑप्शन जो है वो आपका वोवेल है। तो जो सबसे अलग है वो कौन सा है, वोवेल है, चूँकि अकेला बेचारा ये है, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर बात कर लें 61 नंबर सवाल। तो यहाँ पे कह रहा है ए है, ई है, आई है, डी है। अब बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे भी आप अलग कर लेंगे, ए क्या है, वोवेल है, ई क्या है, वोवेल है, आई क्या है, वोवेल है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो सबसे अलग कौन सा है, डी है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, बाकी सबका सब क्या है, वोवेल है। तो यहाँ से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप 62 नंबर सवाल देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से आपको क्या करना होगा, माइंड खर्च करना होगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स है,
वाई है, एच है, डी है। एक्स क्या है? कॉन्सोनेंट है। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब तो आपके पास सबके सब कॉन्सोनेंट है, अब किसको आप छांटेंगे? छांटेंगे, थोड़ा सा माइंड को बढ़ाइए। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट और वॉवल पे ये सवाल नहीं छट पाएगा, तो हम छांटेंगे किस पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक्स जो है उसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पोजीशन कितना होता है? 24। एक्स जो होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जब पढ़ेंगे ए बी सी डी तो 24वें नंबर पे आता है। और एच जो है उसका पोजीशन क्या होता है? 8, मतलब 8वें नंबर पे आता है। बाई जो आता है वो कितने नंबर पे आता है? 25वें नंबर पे आता है। और डी जो आता है वो कितने नंबर पे आता है? 4थे नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे एक्स जो है 24, एच जो है 8, डी जो है 4 और बाई जो है 25। अब आप अलग करके देखिए कौन सा 24, 8 और 4 सब क्या है? सम संख्या है, लेकिन 25 क्या है? विषम संख्या, यानी यहाँ से ये क्या है? अलग है। अब यहाँ पे किस पे छट रहा है? सम और विषम संख्या पे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फोकस करना होगा उसके पोजीशन पे कि उसका पोजीशन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना है। तो 24 है, 8 है, 4 है और ये 25 है। तो तीन जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो सब सम संख्या में, लेकिन एक जो चौथा दूसरा ऑप्शन जो है बाई वो क्या है? विषम संख्या में, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस तरह से थोड़े ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और केयरफुली सवाल को क्या करना पड़ता है? सोल्व करना पड़ता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे 63 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे आपसे कि ए सी ई, पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है वो 1-1 लेटर का दिया, अब यहाँ पे आपको उससे लॉन्ग दिया जाएगा सवाल, और सवाल करने का तरीका भी आपका वही है, जो सबसे अलग होगा वो आपको छांट देना है। अब यहाँ से देखते हैं इन सारे ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस अलग हैं, और तीन जो होगा वो एक ही रूल पे आधारित होगा, एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा, और एक जो होगा वो बिल्कुल अलग रूल को फॉलो करेगा। अब यहाँ से देखते हैं कौन तीनों जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है और कौन सबसे अलग है। देखेंगे जब लेटर को आप बारीकी से देखेंगे तो ए है, ए के बाद बी गायब है, सी है, सी के बाद डी गायब है, ई है, यानी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एक लेटर क्या है? अल्टरनेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं अल्टरनेट है या नहीं है। तो एफ, एफ के बाद जी गायब है, एच है, एच के बाद आई गायब है, जे है, यानी यहाँ पे भी एक एक अल्टरनेट है। वैसे ही आप ऑप्शन नंबर 4 में एक बार चेक कर लें, एन, एन के बाद ओ मिस है, पी क्यू मिस है, आर, यानी यहाँ भी एक एक लेटर क्या है? मिस है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर 3 में आप देखेंगे के, के के बाद एल मिस होना चाहिए था, लेकिन एल हमारा दे दिया गया है। यहाँ पे होता के बाद एल मिस हो करके एम होता, तो ये चीज़ हमारा क्या है? सबसे अलग है, जबकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो कौन सा पैटर्न? एक एक लेटर छोड़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ेंगे आज की 64 नंबर सवाल पे। यहाँ पे देखेंगे किस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे बी, बी को जो पोजिशन में कहा जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसका पोजिशन जो होता है वो 2, डी का जो पोजीशन होता है वो 4, एच का जो पोजीशन होता है वो 8। आप यहाँ से देखेंगे 2 × 4, 4 × 8, राइट, सही है। यहाँ पे भी हम पोजीशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं होगा याद, तो इसीलिए हम उन बच्चों के लिए भी लिख दे रहे हैं कि चूँकि उनको भी हेल्प मिल जाए पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट देख कर। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वो सीधा कर लेंगे, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो 2 × 4 × 8। लेकिन जिनको नहीं याद है उनके लिए हम लिख दे रहे हैं ये चीज़, उनको भी कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे सी का जो पोजीशन है वो 3 है, एफ का जो पोजीशन है वो 6 है, और एल का जो पोजीशन है वो 12 है। अब यहाँ से देखें 3 × 6, 6 × 12, राइट, सही है। मतलब जैसा पैटर्न पहला ऑप्शन फॉलो कर रहा था 2 × 4, 4 × 8, वैसा ही ये भी फॉलो कर रहा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं तो डी का पोजीशन होता है 4, एच का पोजीशन होता है 8 और पी का जो पोजीशन होता है वो 16। तो फिर से देखेंगे 4 × 8 और फिर 8 × 16, यानी पहला जो डिजिट है उसको डबल कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको थोड़ा सा, ई जो है वो 5 है और जे जो है वो 10 है और यू जो है वो 21 है। अब यहाँ पे देखें 5 × 10, तो 10 × 20 होना चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन कितना है? 21 है। तो ये चीज़ें मेरा क्या है? गलत है, जबकि ये तीनों जो ऑप्शंस हैं 2, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि अगला जो लेटर होता है वो पहले का
डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज़ें डबल हो करके 20 होना चाहिए था, यानी 5 × 10 ये तो ठीक है, लेकिन 10 × 20 होना चाहिए था, लेकिन 21 है, चूँकि यू का पोजिशन जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो 21वें नंबर पर है, तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से अलग है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखेंगे, तो यहाँ से आपसे कह रहा है ओ। अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट, आप देखने के लिए आप पहले से पूरे लेटर को देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमको ज़्यादा आसान हो देखना वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। ओ के बाद क्या आ जाता है? पी, यानी फर्स्ट और लास्ट। के बाद एल, ठीक है। भी के बाद डब्लू। आर के बाद एस, यानी फर्स्ट और लास्ट जो है वो लगातार जा रहा है। फर्स्ट ओ है तो लास्ट क्या है? पी है। फर्स्ट के है तो लास्ट क्या है? के बाद एल आता है, सही है। भी है फर्स्ट में, तो भी के बाद क्या आता है? डब्लू, तो ये लास्ट में है। आर है तो लास्ट में क्या आता है? आर के बाद एस, तो ये भी सही है, यानी चारों ऑप्शन में सभी तक कोई नहीं छट पा रहा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे डी, डी के बाद ई नहीं है, एफ है, यानी डी और एफ के बीच में एक लेटर गायब है। अब यहाँ से बी, बी के बाद सी नहीं है, डी है, यहाँ भी एक लेटर गायब है। अब यहाँ देखेंगे आई, आई के बाद जे है, यानी यहाँ पे एक लेटर बीच में गायब नहीं किया है। आई के बाद जे गायब करके क्या लिखता? के लिखता, तब ये सही हो जाता। अब यहाँ पे देखते हैं एफ, एफ के बाद जी नहीं, एच है, यानी यहाँ भी एक लेटर गायब है। यानी पहला, दूसरा और चौथा जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और तीसरा जो है वो यहाँ पे अलग है। क्यों? चूँकि यहाँ पे एक लेटर को गायब नहीं किया गया है। आई के बाद जे गायब होता, जे के बाद यहाँ पे के होता, लेकिन जे दे दिया गया लगातार, तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे अलग है। 66 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट लास्ट को अभी छोड़ दिए, अभी हम बीच वाले को देखते हैं। इन, अब यहाँ से देखेंगे इधर से पीछे से जो बीच का दो है वो बाएं साइड से देखें, एल, एल के बाद एम नहीं, एन है, ठीक है। फिर यहाँ भी जी, जी के बाद एच नहीं, आई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बी, बी के बाद सी नहीं, डी है, तो यहाँ पे एफ है, एफ के बाद जी नहीं, एच आता, लेकिन क्या है? ई है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ से अलग है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है। बस इस तरह का जो सवाल हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए, तो इसमें थोड़ा सा आपको पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो याद रखना पड़ता है। अगर वो चीज़ें याद है तो आपको बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 4 यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 67 नंबर सवाल, आप यहाँ से देखें सी, सी के बाद डी नहीं, ई, ई के बाद एफ नहीं, जी, जी के बाद एच नहीं, आई, यानी एक लेटर गैप करके हम बढ़ रहे हैं। किस साइड से? बाएं साइड से, मतलब इस तरफ से हम बढ़ रहे हैं एक लेटर को गैप करते हुए। सी के बाद डी नहीं, ई, ई के बाद एफ नहीं, जी, जी के बाद एच नहीं, आई, यानी एक लेटर गैपिंग है। तो इधर भी बाएं साइड से देखिए एन, एन के बाद ओ नहीं, पी, सही है, पी के बाद क्यू नहीं, आर होता, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। जबकि और देखेंगे आगे, जी, जी के बाद एच नहीं, आई, आई के बाद जे नहीं, के बाद एल नहीं, एम, सही है, यानी जो ये फॉलो कर रहा था वही ये भी फॉलो कर रहा। यहाँ पे देखेंगे यू के बाद वी नहीं, डब्लू, डब्लू के बाद एक्स नहीं, वाई, वाई के बाद जेड नहीं, ए, यानी ये भी सही है। यानी पहला, तीसरा, चौथा सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक अल्टरनेट करके बढ़ रहा है, किधर से? बाएँ साइड से। लेकिन आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो अल्टरनेट करके नहीं बढ़ रहा, एन के बाद ओ नहीं, पी तो आया, पी के बाद क्यू नहीं, आर होता, लेकिन यहाँ पे क्यू डाल दिया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, गलत है, सबसे अलग है। 68 नंबर सवाल देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे डी और यहाँ पे देखेंगे ई, तो डी के बाद ई, यहाँ पे एफ के बाद जी, देखेंगे ऐसा ही पैटर्न आगे भी फॉलो होता है या नहीं। तो पीछे से चल लेना, डी के बाद ई, अल्टरनेट एक छोड़ के यहाँ पर बढ़ेंगे, एन के बाद ओ, ठीक है, फिर ओ के बाद पी के बाद क्यू, सही है, चूँकि डी ई एफ जी, तो एन ओ पी क्यू, सही है। फिर यहाँ पे चलेंगे टी, टी के बाद यू, सही है, बी के बाद डब्लू, सही है। फिर यहाँ एच, तो यहाँ पे आना चाहिए था आई, जहाँ पे जी है वहाँ पे आई आना चाहिए था, चूँकि एक लेटर छोड़ करके, लेकिन यहाँ पे एच के जस्ट बगल में आई दे दिया गया, तो आई के बाद फिर आना चाहिए था जी यहाँ पे, तो यहाँ पे H I आता है यहाँ पे J के यहाँ पे, तो ये आपका गलत है। जबकि सब क्या है, एक छोड़ करके लिया जा रहा है, D के बाद E, एक छोड़ करके बाद F के बाद एक छोड़ करके Z, तो
तो आपका सब जो है पहला दूसरा तीसरा जो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन चौथा जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस सवाल को 69 को देखते हैं, तो यहाँ से दोस्तों दिख रहा है ए बी सी अलाश में डी। आप यहाँ पे देखें सब ऑप्शन में वैसा दिख रहा है कि नहीं, तो एक पीछे छोड़ करके ए बी सी ले रहे थे। एस एस के बाद क्या आता, टी, टी के बाद यू आता, नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये आंसर होने वाला, लेकिन इसको अभी छोड़ रहे। आप देखें बाकी सब में कैसा रिलेशन आ रहा है, यहाँ से देखेंगे आर के बाद एक लेटर छोड़ के एस, ठीक है, तो पी के बाद एक लेटर छोड़ करके क्यू, यहाँ पे देखते हैं वैसा ही है कि नहीं, एच, एच के बाद एक लेटर छोड़ करके आई, फिर जे के बाद एक लेटर छोड़ करके के, सही है, जी, जी के बाद एक लेटर छोड़ करके एच, और ई के बाद एक लेटर छोड़ करके एफ, यानी आप कह सकते वैसे आर एस, तो पी क्यू एच आई जे के जी एच ई एफ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वैसा नहीं है, तो ये सबसे क्या है, अलग है, तो यहाँ से 69 का ऑप्शन नंबर 1 अलग आ जाएगा, क्योंकि सबसे अलग वही है, बाकी तीनों जो है वो एक ही रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह का जो सवाल आएगा तो उसमें थोड़ा सा आपको है ना समझदारी से काम लेना होगा। बढ़ेंगे 70 नंबर सवाल पर। 70 आपसे कह रहा बी सी, ठीक है, फिर यहाँ पे है एम एन, ठीक है, दो दो लेटर को अभी कंपेरिजन कर रहे हैं, बी सी एम एन आर एस ई एफ, मतलब सही है, सब एक के बाद एक आता है, बी के बाद सी आता है, एम के बाद एन आता है, आर के बाद एश आता है, ई के बाद एफ आता है, फिर जो अगला जो लेटर है उसको देखते हैं दोनों को कंपेरिजन करें, जी के बाद के क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, के, तो जी के बाद के आता है, देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है, जी 7 है और के कितना 11 है, यानी यहाँ से कितना लेटर बढ़ा रहा है, 4 लेटर, तो यहाँ पे कितना लेटर बढ़ा रहा है, 18 है, और ये कितना भी 22 होता है, यानी 18 4 22, यहाँ भी 4 लेटर बढ़ा रहा है, यहाँ पर देखेंगे भी, भी के बाद जेड, भी 22 होता है, जेड 26 होता है, यानी 22 4 26, यहाँ भी 4 बढ़ाया, जे के बाद एन, जे आपका आता है 10, एन आता है 14, यानी ये भी 4 बढ़ाया, यानी अभी तक कोई मेरा ऑप्शन जो है वो अलग नहीं हो रहा। अब यहाँ से क्या करना है, फिर हमने पहला दो का देख लिया, अंतिम दो देख लिया, मतलब उसके हिसाब से सही आ रहा, अब बीच का ये दोनों का कंपेरिजन देखें, सी, सी के बाद आपका है जी, तो सी 3 आता है, जी कितना आता है 7, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, यहाँ पे देखिए 14 4 18, ये भी बढ़ गया, यानी इसमें देखिए 4 बढ़ गया, यहाँ पर आर और सॉरी एस और भी, एस आता है 19 और भी क्या आता है 22, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 ही बढ़ रहा है, और एफ 6 आ रहा है, जे 10 आ रहा है, तो 6 4 10, ये भी 10, 4 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कितना बढ़ रहा, मात्र 3, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन तीसरा जो है वो यहाँ पे मार खा रहा है, कहाँ पे, एस के बाद और एस और भी के बीच में, चूँकि एस के बाद जो भी है वो 3 बढ़ रहा है, बाकी बीच में जो दोनों है वो सब क्या बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है, तो इस तरह से चीज़ों को हम बनाते हैं। लेकिन फिर से आप 71 से देखेंगे तो थोड़ा सा टाइप अब चेंज करने वाला है। अब दोस्तों जो 71 से टाइप आ रहा है, वो 71 से जो टाइप आता है वो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान से सवाल माने जाते हैं। अभी तक जो ओल्ड मैन ऑल्ट या क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा है, इसमें सबसे टफ जो माने जाते हैं वो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले वर्ड माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है वो अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड, अगर वो चैप्टर क्लियर है तब यहाँ पर आसान है आपके लिए करना। तो यहाँ से दोस्तों अब हम जो आते हैं वो नंबर वाले पे आते हैं कि नंबर में आपको कैसे अलग करना होता है। जैसे 71 नंबर सवाल में कह रहा है आपसे कि 18 38 49 और 35 कह रहा है, इन चारों में जो सबसे अलग है वो कौन सा, वही आपका आंसर होने वाला है। तो देखिए 18 जो है, 38 जो है, 35 जो है, वो तीनों कोई भी जो है ना वो वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 49 जो है वो वर्ग संख्या है, और किसका वर्ग संख्या, तो 7 का स्क्वायर है, लेकिन कोई भी वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, 3। और ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत बार, तो यहाँ से 49 सबसे अलग है, क्योंकि 49 ही एक ऐसा संख्या जो वर्ग संख्या, बाकी कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। 72 में पढ़े 72 की तरफ बढ़ेंगे तो ये भी वही सवाल है, जैसे 65 85 35 25। अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि 65 जो है वो भी 5 से कट रहा है, 85 भी 5 से डिवाइड है, 35 भी 5 से डिवाइड है, 25 भी 5 से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड किया तो सब कट जा रहा है, कोई भी अलग नहीं छट रहा है, लेकिन आप जब स्क्वायर पर अलग कीजिएगा, वर्ग संख्या पर अलग कीजिएगा, तो यहाँ से भी अलग है, क्योंकि 65 85 35 कोई भी वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 25 जो है वो वर्ग संख्या है, किसका, 5 का स्क्वायर है, 5 5 25, तो यहाँ पर भी एक वर्ग संख्या, बाकी तीनों जो है वो वर्ग संख्या नहीं है, तो आंसर आपका 25 आ जाएगा। 73 बढ़ेंगे
आप 73 में चलेंगे तो देखेंगे 12 कट जाता है, मतलब आप 12 को कह सकते हैं कि 12 किसी ना किसी पहाड़ से कटता है, 32 जो है वो भी किसी न किसी पहाड़ से कटता है, 40 जो है वो किसी न किसी पहाड़ से कटता है, लेकिन 89 जो है वो किसी न किसी पहाड़ से नहीं कटता। अगर आप दूसरे तरीके से सोचना चाहते हैं तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 सम संख्या है, 32 भी सम संख्या है, 40 भी सम संख्या है और 89 जो है वो विषम संख्या है। तीसरे तरीके से आप ऐसे भी छांट सकते हैं कि 12 जो है 2 से कट रहा है, 32 भी 2 से कट रहा है, 40 भी 2 से कट रहा है, लेकिन 89 2 से नहीं कट रहा है। तो आपको किसी भी तरीके से सोचना है और सोच करके आपको एक ऑप्शन को छांटना है। तो हर हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो छंट जाता है। तो यहाँ से आपका ये अलग सा शब्द है यानी विषम शब्द है, यही आपका आंसर है। 74 नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है 125, 729, 216, 512 और एक पांचवा ऑप्शन है 648। कह रहा है इसमें से जो सबसे अलग है वो कौन सा है। तो 125 जो है 5 का क्यूब है, 729 जो है 9 का क्यूब है, 9 नवा 81 नवा 729, 216 जो है 6 का क्यूब है, 6 6 36, 6 के 216, 512 जो 8 है क्यूब है, 8 8 64 512, लेकिन 648 जो है वो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो 5 नंबर वो आपका क्या है, सबसे अलग है यानी आंसर है, क्योंकि बाकी जितने ऑप्शन है वो सब किसी न किसी संख्या के घन है, लेकिन 648 जो है वो किसी भी संख्या के घन नहीं है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। 75 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 84 120 72 108 98। अब इसमें कह रहा है कौन सबसे अलग है। अब सबसे पहले आप सोचिए, 84 भी सम संख्या, ये भी सम है, ये भी 72 भी सम है, 108 भी सम है, 98 भी सम है, तो सम तो सब है। अब आप तो सम भी सम पे छांट नहीं पाएंगे इसे। अब सोचेंगे कि ठीक है देखते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो देखिएगा 84 जो है ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटे, चूँकि आप एक चीज़ माने ना कि सम संख्या तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अब और अलग सोचें, 84 जो है वो 12 से कट जाएगा, 12 7 84, 120 भी 12 से कटता है, 12 10 120, 72 जो है वो भी 12 6 72, और 108 जो है 12 9 108 ये भी कट जाता है, लेकिन 12 से 98 नहीं कटता। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि 12 से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, 12 से सब कटता है, लेकिन सिर्फ कौन नहीं कटता है, तो 98। तो 98 सबसे अलग है, चूँकि सब 12 से कट रहा है लेकिन 98 12 से कटने वाला है नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 76 नंबर सवाल। इस तरह का सवाल जो होता है बहुत ही आसान होता है, आपको इस तरह का सवाल कभी भी एग्जाम में छोड़ना नहीं। अब यहाँ से देखेंगे, अगर इसे 76 नंबर सवाल पे क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से देखते हैं सेकंड वाले से फर्स्ट में भाग दिए तो 6 8 48, यानी आप कह सकते हैं 6 को 8 से गुना किया गया, यानी 8 6 48, आप ऐसे भी कह सकते हैं 8 6 48। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी दूसरा ऑप्शन छोड़ दिए, यहाँ पर अगर करना भी चाहे तो करिए, 7 3 21, ठीक है, फिर 3 8 24, फिर यहाँ से 7 8 56। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि दूसरा को अगर 8 से गुना करते हैं तो पहला मिल जा रहा है, और सब उसमें वैसा ही रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा को 8 से गुना किया गया, दूसरे को 8 से गुना किया गया, दूसरे को 8 से गुना किया गया, लेकिन यहाँ पे 7 को है या दूसरे को कितने से गुना कर दिया गया, 3 से गुना कर दिया गया। तो सबसे अलग कौन सा, दूसरा होगा, क्योंकि सबको क्या करें ना, 8 से गुना करें, 8 6 48 8 3 24 8 7 56, तो 8 7 56 यहाँ भी आना चाहिए था, लेकिन 8 3 7 21 किया गया, तो सबसे अलग यही है। आगे बढ़ेंगे 77 नंबर सवाल पे, कह रहा 18 22। अब देखेंगे दोनों सम संख्या, यहाँ पे दोनों देख रहे हैं तो दोनों विषम संख्या, दोनों सम संख्या, दोनों विषम संख्या, तो सम और विषम में नहीं छाँट पाएंगे आप। अब यहाँ से देखते हैं गैपिंग, चूँकि सब अलग अलग टाइप के, यहाँ पे एक एक टाइप का एक एक सवाल है। आपके यहाँ पे देखिए 18 और 22 के बीच का कितना गैपिंग है, 18 और 22 में 4 का गैपिंग है, राइट। यहाँ पे 11 और 13 में कितने का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। 17 और 19 के बीच का कितना गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। 12 और 14 के बीच का कितना गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। यानी आपको यहाँ पे 4 का गैपिंग है, लेकिन यहाँ पे 2 का गैपिंग है, यहाँ पे 2 का गैपिंग है, यहाँ पे 2 का गैपिंग है। तो तीन ऑप्शन आपको ऐसे मिल रहे हैं जिसके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सबसे अलग कौन सा है, ये वाला, यानी 18 और 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन जो दिखेगा एक दूसरे का डबल दिखेगा, यानी 37 को डबल कर दीजिए तो 37 2 74, 26 2 52, 44 2 88, लेकिन 47 2 84 कभी होगा, नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि दोनों का बीच का जो रिलेशन आ रहा ना वो डबल का रिलेशन है, यानी एक दूसरे को डबल करके लिखा गया, यानी 37 को डबल करते हैं तो 74,
26 को डबल करते हैं तो 52, 44 को गुना करते हैं तो 88, लेकिन 47 को डबल करेंगे तो 84 नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपके अलग है। आज का लास्ट जो सवाल है जो है 79, और ये लास्ट सवाल होने के बाद आपको पूरे चैप्टर को रिवीजन कर जाना और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बढ़ते हैं, इसको अलग कैसे करेंगे, इसमें क्या तरीका है वो देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 16 64, कैसा रिलेशन आपके माइंड में आएगा, 16 6 64 हो सकता है, यानी लगता है 4 से गुना किया गया, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। 16 6 64, 17 64 68, ठीक है। यहाँ पे 20 25 100 है, और ये क्या है, 21 64 84 है। यानी आप देख लें, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, सबको क्या किया गया, फर्स्ट वाले को 4 से गुना करके सेकंड वाला लिखा गया। सब में देखिएगा, सब में 4 से गुना करके सेकंड वाला लिखा गया, लेकिन तीसरा एक ऑप्शन है जो 5 से गुना कर दिया गया। तो सबसे अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सब में 4 से गुना कर रहे हैं तो ये भी 4 से गुना होना चाहिए था, तब तो आप कह सकते थे सब एक ही कास्ट का, लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं, यानी ये सबसे अलग है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ओल्ड मैन ऑड चैप्टर, जिसे आप क्लासिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है, फिर आपसे किसी अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।